हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया और अच्छा मोबाइल। तो आज हम आपको मोबाइल दिखाने जा रहे हैं। कुछ हमारे पास जो मोबाइल आया हुआ है वो 500 रुपये का मोबाइल आया हुआ है। तो 500 रुपये का मोबाइल कैसा होता है, तो पहले आप ये देख लीजिए। 500 रुपये का मोबाइल है जिसमें व्हाट्सअप चलेगा। देखो इधर, ये व्हाट्सअप चलने वाला है इसके अंदर। तो आपको मैं ये बताऊँगा कि इसमें व्हाट्सअप चलेगा कैसे और किस तरीके से चलेगा। और 500 रुपये का अगर आप मोबाइल लेना चाहते हो तो डुबल सिम का मोबाइल है ये। इसका जो मोबाइल की कंपनी का नाम है रिंगमी है और मॉडल नंबर है R1+। ये आपको यहाँ पे मैंने शो कर दिया है, ठीक है। तो आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं और इसके अंदर क्या कुछ मिलने वाला है और डब्बे में इन्होंने क्या कुछ पैक किया है, तो इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डब्बे को खोलेंगे और मोबाइल आपको चेक कराते हैं कि ये किस तरीके का मोबाइल है। 500 रुपये का मोबाइल है, बिग बैटरी लिखा हुआ है, यानी कि 2500 mAh की इसमें बैटरी आपको मिलने वाली है, जो कि डब्बे का कुछ इस तरीके से फ्रंट और बैक में दिखाई दे रहा है। तो इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या कुछ इसके अंदर पैक किया है कंपनी ने, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने निकाला इसमें मोबाइल है वो किस तरीके का मोबाइल लगता है, कुछ ये देखो। 500 रुपये का जो मोबाइल है उसमें बस केवल डिस्प्ले छोटी सी आ रही है, बाकी सब कुछ ठीक आ रहा है। पीछे इसमें जो स्पीकर है, स्पीकर के साथ में एक कैमरा भी आपको मिलने वाला है। और इसका जो मॉडल नंबर है वो R1+ है और रिंगमी इसकी जो कंपनी है, इसकी कंपनी बहुत ही अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें जो बैटरी इन्होंने दी है वो 2500 mAh की है। तो कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं क्योंकि डब्बे में और भी चीज़ें चेक करनी होती हैं इसमें क्या कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमने जो इसका डब्बा खोल दिया तो एक चार्जर इसके अंदर निकला है, कुछ इस तरीके का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ऐसे देख लीजिए। ये वही चार्जर है जो सभी फ़ोनों में मिलता है, सेम वही चार्जर है। और एक चीज़ जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो बैटरी है वो बहुत बड़ी है। फ़ोन है 500 रुपये का, बैटरी है 2500 mAh की। तो ये कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा अलग अलग सा महसूस हो रहा है, क्योंकि फ़ोन ये है 500 रुपये का, बैटरी है 2500 mAh की। अगर आपको इसमें से क्या दोनों में से अच्छा लगा, ये 2500 सॉरी इसमें तो 3000 mAh की गाइस बैटरी है। ये देखो 3000 की बैटरी है और मुझे लगता नहीं है ये बैटरी कुछ, देखते हैं इसको डाल के अंदर क्या क्या कुछ ये ऑन होएगा या नहीं होगा। तो इसको मोबाइल को अभी चालू करके देखते हैं और इसमें क्या कुछ फंक्शन है। इसको हमने बैटरी को इसमें इंसर्ट कर दिया है और लगा दिया है। अभी इसमें तो टॉर्च भी इतनी बड़ी है, ये 500 रुपये का मोबाइल है या कुछ और ही है, देखो कितनी सारी बड़ी तो इसकी बैटरी है। तो इसके कुछ फीचर्स फंक्शन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ जब तक ये ऑन हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको व्हाट्सअप चलाने को मिलेगा, डुबल सिम आपको मिलने वाला है। आप फीचर्स फंक्शन सारे देख लीजिए, मैंने देख रखे हैं। FM रेडियो है और व्हाट्सअप चल जाएगा। और 3000 mAh इसमें ऊपर लिखा हुआ है 2500 mAh की बैटरी, लेकिन यहाँ पे आपको जो मिली हुई है वो 3000 mAh की बैटरी मिली है। और MP3 MP4 दोनों प्लेयर इसमें चलने वाले हैं। तो ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से। 500 रुपये में आपको फ़ोन कैसा लगा, आप ये वाला फ़ोन ले सकते हो, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। और 500 रुपये में ये वाला फ़ोन आपको इजीली मिल रहा है, हमारे को मिला है तो आपको भी मिल जाएगा। तो गाइस, अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप हमारे से कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत लगती है तो आप कमेंट में आ सकते हो, पूछ सकते हो कोई भी जानकारी लेनी। तो गाइस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।